बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पर, 25 डिग्री का। क्या बढ़िया रिजॉर्ट है। Downloading the offline map because we have no internet here. The whole Israel and half the Jordan and Palestine map can be downloaded offline just for 200 MB worth of space. You know what that means? That you can probably download the whole world worth of maps in if your phone is like 200-300 GB, but the Google Maps doesn't allow you that. Okay, let's go. Water? We packed water? Yeah. Every time I see this vase, I have to think of a kebab roll of meat, like when I see it from the corner of my eye. Exactly. And this is the kebab seller. बड़े भारी भरकम दरवाजे हैं यहाँ पर, ओल्ड स्टाइल के, पूरी जैसलमेर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। लुक्स सो मेडिवल। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहली चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है उसमें जाना, क्योंकि हम इतने समर क्लोथ्स पैक करके नहीं आए। यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन एक ही निक्कर है मेरे पास और वो ये है जो अभी पहन रखी, और खरीदनी पड़ेगी। दिस इज मोस्टली अ गिफ्ट शॉप एक्चुअली, दुकान तो इतनी सी है। स्विमवेयर इज अ लॉट हियर बट कपड़ों में ज्यादा चॉइसेस नहीं है। Dear wanderers, this lovely olive tree is no less than 700 years old. Wow. Literally, it looks so small. It looks small, but they don't get bigger than that either. Wow. Where do we go? Maybe from there. We have no idea where to go. Or there. Yeah, the buggy came from there. तो इस होटल की गिफ्ट शॉप में ज़्यादा कोई कपड़े मिले नहीं, बस एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी, वो भी सिर्फ ब्लैक कलर में। यूली वाइट में प्रेफर करती है। तो पास में ही एक मॉल है, यहाँ से करीब 15 मिनट वॉक करके इस छोटे से टाउन में इकलौता मॉल है वो, तो वही उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ मिल पाएगा। समरा मॉल है उसका नाम। व्हाट अ व्यू दिस इज। लुक्स लाइक इजिप्ट और समथिंग। और ये पूरा जो आप देख रहे हो ये है डेड सी। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल किसी दूसरे प्लेनेट जैसा लगता है, ऐसा लगता है मार्स पे आ गए हूँ। ये रहा समरा मॉल, 400 मीटर दूर है यहाँ से। चलने के लिए छोटा सा साइड वॉक है, लेकिन आसपास देखो। हम पूरा इस लाइन में चल के आए, बस होटल्स ही होटल्स हैं और कुछ है नहीं इस जगह पर ज़्यादा। और किनारे पर यहाँ बहुत से ऑलिव ट्रीज लगे हुए हैं। फॉर्मिंग बुशेस। आउच। I was testing if it's really. पर दिसंबर के महीने में इतनी जलती हुई गर्मी होना, अच्छी फीलिंग आ रही है। There we are, समरा मॉल। Yep. Looks so much like the Palestine. The only difference is the star in the middle. That's the only difference between the two flags. चार्ट बना रखा है जेरूसलम सी लेवल से कितना ऊपर है, और सी लेवल से 390 मीटर नीचे डेड सी है और हम इतनी नीचे हैं। एक्चुअली हम दुनिया के लोएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं इस वक्त, और अमान जो है वो जॉर्डन का कैपिटल है। हम अगर जिस पॉइंट पर खड़े होते हैं होटल से जहाँ डेड सी दिखता है, दूर पहाड़ों में हमें जेरूसलम भी दिखता है। हमारे एक यहाँ पर किसी ने बताया था कि पहाड़ों में दूर जो शहर दिख रहा है वो जेरूसलम ही है। Our lamp in the hotel room looks like a kebab. Peace. एक कपड़ों की दुकान मिली, but there is no one working in this shop. Coronation Street के मीनिंग ही बदल गए हैं अब तो, आज के दिन Corona Street. Are you comedy me?
तो ये मॉल भी बड़ा छोटा सा था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटी सी एक कपड़े की दुकान थी, वहां पर भी वही चीजें थी जो उस गिफ्ट शॉप में मिली थी हमें अपने होटल में। तो अब ज्यादा ऑप्शंस रह नहीं गए हमारे पास, हम पास वाले होटल्स में ट्राई करते हैं वहां पर क्या है। दूर कोई एक वाटर पार्क है जो ऐसा लगता है कि सदियों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, किसी ने अबैंडन करके रख दिया है। हेलो, माय पेट डॉग इज आल्सो हियर। लुक, कैन आई पेट हिम? या Can I just pet him once? Yeah, you can. You also have a pet bird? Yeah. A pet bird? Yeah. Here's some seats for you. Show the reality also. This was the reality. Where did the dog go? हमने अभी अभी लंच किया है और सनसेट ऑलरेडी होने लग रहा है। एक टाइम डिफरेंस को लेकर यहाँ पे बड़ी अजीब चीज़ है कि 4:30 पर ही सनसेट हो जाता है। इस्तांबुल इससे कई ज़्यादा वेस्ट में है और फिर भी वहाँ का जो टाइम था वो यहाँ के टाइम से दूसरी साइड पे था जो होना चाहिए था। So epic, but the sun goes down in like literally 15 more minutes. So fun fact, you can't actually swim in the Dead Sea. You float and you can see it. That's crazy. I want to try it quickly. Let's go. It's a bit cold right now, so I won't go in right now. But I just want to try before the sun goes down, you know. Okay. It's so exciting. It was my childhood dream. Ever since I learned about the Dead Sea in my geography class, ever since then I wanted to go here. They say swim and float in the Dead Sea for 10 minutes. After swimming, apply the Dead Sea mud directly on your body conservatively. Wait 15 to 20 minutes until the Dead Sea mud is dry on your body. And then you return to the Dead Sea and wash it off. Are you going to do it? No, I don't think there's that much time. Let's just go and jump in, do some underwater swimming. Yeah, you wish. Apparently it burns and stings like hell. Apparently. If you get it in your eyes. But we will test that. Dhruv is gonna test that for us today. Welcome to the lowest point on earth. How low have we fallen that we ended up here? So low that we ended up at the lowest point in earth. From here on, it only can go up again. It's rock bottom. We hit the rock bottom here. Rock bottom, as you see. Right after the marriage, huh? Even right now we received a warning. If it's your first time then you should be warning di ki aankhon mein mat jaane dena bahut jalengi aankhein. Okay. You can see in the background people are already like looking very black because of the Dead Sea mud. And it's not really sand here. It's more like I don't know, like soil, so you don't really sink in or anything. Ready to go in? How cold is it? It's not cold at all. No? No. Not at all. It's pretty warm. Film my first step into it. I already filmed it. That's okay. Oh, he's floating. I'm floating. He's floating. Look, he can't even step into it. Look at that. He can't even step into it. He's literally floating. Actually, I want to try if it's salty or not. I need a towel. Okay, go in. Now it's cold. Oh my god. No way, look at this. Oh my god. Oh, this is sick. Louis, get in here, man.